नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा खत्री ब्लॉग्स में। तो आज हम एटसी में हैं और मैं डेक 7 पे हूँ। आप पीछे देख सकते हैं समुंदर का व्यू। आपको अपना क्रू कैबिन दिखाना चाहता हूँ। तो क्रू शिप पर क्रू का कैबिन कैसा रहता है? तो बेसिकली क्रू शिप पर क्रू को जहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उन्हें क्रू कहा जाता है, और कैबिन जहाँ पे वो रहते हैं रूम, उसे कैबिन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्रू कैबिन कैसा रहता है क्रू शिप। तो मैं अभी क्रू कॉरिडोर में आ चुका हूँ और यहाँ पर ही मेरा कैबिन है। यहाँ पे सबसे लाइन से सबके कैबिन है। तो डेक डिपार्टमेंट में मैं आता हूँ तो डेक डिपार्टमेंट के यहाँ पे कैबिन से, तो इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर कैबिन होते हैं। तो डेक डिपार्टमेंट का एक जगह कैबिन, इंजन डिपार्टमेंट का अलग, गैली हाउसकीपिंग, इस तरह से अलग अलग सबके होते हैं। तो ये अपना डिपार्टमेंट के कैबिन सभी जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो आइए मैं आपको मेरे सीधे कैबिन में लेके चलता हूँ। तो ये है मेरा कैबिन और ये देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था ये क्रू कॉरिडोर है। तो सबके कैबिन ऐसे लाइन टू बाय लाइन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं मेरे कैबिन में। तो कैबिन के बाहर आपके ये देखिए कैबिन नंबर लिखा हुआ है 4014 और नाम लिखे हुए हैं। तो हम दो लोग रहते तो हम दोनों के नाम हैं। ये मेरा नाम है कृष्णा खत्री, पेस्ट कंट्रोलर इंडिया, यानी कि आपका नाम, आपकी पोजीशन और नेशनलिटी लिखी होगी कैबिन के बाहर। तो ये मेरे कैबिन मेट की है, उसका नाम, उसकी पोजीशन और नेशनलिटी। तो हम अब अपना कैबिन डोर खोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैबिन डोर कैसे खुलता है। तो कैबिन डोर खोलने के लिए आपको अपना क्रू कार्ड की ज़रूरत होती है और ये है मेरा क्रू कार्ड, इससे मेरा कैबिन खुलेगा। तो ये जो कार्ड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्ड है, या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप इसे कह सकते हैं ऑनबोर्ड, क्योंकि आपकी सारी जो प्रोसेसिंग है ना ऑनबोर्ड वो इसी कार्ड से होगी। इसमें आपका नाम लिखा है, आपकी पोजीशन, पासपोर्ट नंबर, यही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें सब कुछ आपका ऑनबोर्ड इसी से होगा। तो आइए देखते हैं अपना कैबिन डोर खोलते हैं। तो कैबिन डोर खोलने के लिए आपको इसके इस हिस्से को ये दरवाजे के यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए इसको आपको इस तरह से डालना है, देखिए ग्रीन लाइट हुई और इस तरह से आप अपना डोर खोल सकते हैं और ये खुल गया आपका कैबिन। तो ये है मेरा कैबिन। आइए कैबिन में देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेड। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एक नीचे बेड है और एक ऊपर बेड है। तो ऊपर वाला मेरा है, तो आइए देखते हैं ऊपर वाला कैसा है मेरा बेड। तो ये देख सकते हैं मेरा बेड यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पिलो कवर है और बेडशीट वगैरह है ये यहाँ पे ऑनबोर्ड मिलता है, यानी कि लॉन्ड्री है जहाँ पर आपको मिलता है। तो मैं हालांकि इस बार बेडशीट अपने घर से लाया था, पर आपको घर से लाने की मतलब ज़रूरत नहीं है अगर कोई शिप पे ज्वाइन होना चाहता है, ऑलरेडी ऑनबोर्ड यहाँ पे मिलता है। तो इसी कलर का बेडशीट रहता है और इसी कलर की पिलो कवर्स है, तकिए भी हैं और ब्लैंकेट इस कलर का मिलता है, ये कलर का ब्लैंकेट है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, तो आपको ये मिलेगा। और ये यहाँ पर मेरा पार्टनर सोता है नीचे और मैं ऊपर सोता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, स्टैंड दिया गया है, ये कुर्सी पे चढ़ के यहाँ पे पैर रख के यहाँ पे सो। तो एक कुर्सी भी है हमारे पास। तो वैसे कि हम लोग दो लोग रहते हैं कैबिन में तो दो कुर्सी होनी चाहिए, तो एक कुर्सी है फिलहाल, हालांकि एक कुर्सी नहीं है हमारे पास, तो ठीक है। तो अब तो ये देख सकते हो आप, अब ये टेबल है। तो ये टेबल दो लोग आधा आधा हिस्सा बांट सकते हैं, मतलब आधा उसका आधा मेरा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो मेरे कैबिन पार्टनर का है और ये वाला हिस्सा मेरा है। तो आइए देखते हैं टेबल पे क्या क्या है। तो ये देखिए मेरे गणपति जी हैं टेबल पे, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं रोज़ सुबह शाम जब भी नहाता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ इनके सामने और मेरा अच्छा दिन जाए ऐसे मांगता हूँ। और भी सामान है, देखो ये पानी की बोतलें, पानी की बोतल जो है वो आपको खरीदनी पड़ती है, यहाँ से मिलती हैं। और ये है अचार का डब्बा रखा हुआ है, मतलब कि आप अचार वगैरह जो भी पैक्ड फूड है वो ला सकते हो ऑनबोर्ड और अपने कैबिन में रख सकते हो, लेकिन कोई भी ओपन फूड नहीं रख सकते, जैसे कि फ्रूट हो गया, ऐसा फूड नहीं रख सकते जो ओपन है, पैक्ड फूड रख सकते हो आप। तो ये टेबल के नीचे ड्रॉज हैं, आइए मैं आपको ड्रॉज दिखाता हूँ कि ड्रॉज
कैसा रहता है। तो ये देखिए ऐसे ड्रॉर्स हैं, तीन ड्रॉर दिए गए हैं और तीन ही ड्रॉर कैबिन पार्टनर का है, तो सेम है। तो इसको ड्रॉर को आपको इस तरह से खोलना है, ये खुल जाएगा और ये देख सकते हैं ये मेरा सामान रखा है इसके अंदर, कुछ खाने पीने का, ब्रश वगैरह, तो ये मेरा सामान रखा है। तो इस तरह से है और इसके ऊपर आप लॉक भी लगा सकते हैं, अगर आप कोई कीमती सामान रखते हैं या पैसे रखते हैं ड्रॉर में तो यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। और की है यहाँ पर, स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस दी गई है जहाँ पे आप वो लॉक को अंदर डालो और लगा सकते हो लॉक। ये तीन ड्रॉर है मेरे, तीनों में मेरा ऐसे ही सामान पड़ा है, खाने पीने का, मसाले वगैरह, ये देख सकते हैं आप इसमें पूरे मसाले हैं। मैं मसाले लाया था क्योंकि यहाँ पे खाना इतना तीखा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, तो हम बाहर से अपने घर से मसाले लेके आए हैं। तो नीचे भी ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं ये पूरा अचार और ये शेजवान चटनी से भरा पड़ा है। ये मुझे दोस्त लेके गया था जो घर देख गया है अभी थोड़ी देर पहले। तो ऐसा पैक्ड फूड है जो आप लेके आ सकते हो और अपने कैबिन में रख सकते हो, बस ओपन फूड नहीं रख सकते। तो ये देखो आपने टेबल देख, तो कैबिन के अंदर टीवी भी है, यू नो स्मार्ट टीवी है, अच्छी टीवी, आप उसमें पेन ड्राइव भी डाल सकते हो। और ये जो कैबिन के, अभी हमारी शिप एट सी पे है तो ये एक चैनल आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखता है कि फ्रंट ऑफ द शिप कैसे है और कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक चैनल दिया गया है 47, वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी अच्छी मूवीज़ वाला, यू नो मूवीज़, अच्छी अच्छी इंग्लिश मूवीज़ आती हैं इस पर। और काफ़ी चैनल है यहाँ पे जहाँ पे न्यूज़ न्यूज़ भी आती है और यू नो सेफ्टी के चैनल्स, काफ़ी चैनल्स हैं टीवी में, तो अच्छा से टाइम पास वगैरह हो सकता है। ये देखिए सेफ्टी वगैरह का चैनल है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, पर अगर किसी को देखना हो तो आप आराम से यू नो टीवी देख सकते हो। और तो यहाँ पे अलमारी भी है, ये देख सकते हो दो हिस्से अलमारी के, और अलमारी के ऊपर आपको दिखेगा कि ये लाइफ जैकेट है। तो हर कैबिन में लाइफ जैकेट होना ज़रूरी है, यानी कि इमरजेंसी या फिर सेफ्टी ड्रिल होती है तो हमें जाना पड़ता है। सेफ्टी ड्रिल यानी कि स्टिमुलेशन करते हैं कि अगर समझो कुछ शिप में फायर वगैरह होता है या डैमेज हो जाता है कुछ भी, तो ये सेफ्टी लाइफ जैकेट हर कैबिन में दो होती हैं, तो एक मेरे कैबिन पार्टनर की और मेरी, यानी कि जितने कैबिन मेंबर रहते हैं कैबिन में तो उतनी लाइफ जैकेट होनी चाहिए। तो अलमारी देखते हैं कि अलमारी में क्या है कैसा है। तो ये देखिए छोटी सी अलमारी है, पर एक इंसान के अच्छे खासे कपड़े आ सकते हैं। और हैंगर वगैरह भी यहाँ पे ही मिलते हैं, तो आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ड्री में जाके आपको मिलते हैं। तो मेरी टी शर्ट्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये देखिए ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है जहाँ पे कपड़े रखो, नीचे एक और स्टैंड है अलमारी का। तो काफ़ी अच्छा है, यू नो मतलब बाकी एक इंसान के लिए बढ़िया है। तो आप अपने कैबिन में पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ये देखिए ये हमारे कैबिन में लगे हुए हैं पिक्चर्स वगैरह। तो ये देखिए मैंने इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है जो मैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता हूँ और लगाता हूँ। वैसे कि हमारी जो शिप होती है वो 80-90% मेटल से बनी होती है, तो इसीलिए ये देखिए मैग्नेट्स यहाँ पर लग स्टिक हुए हैं। और ये जो मैग्नेट्स हैं, यू नो जैसे कि क्रू मेंबर जब भी कोई दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ से लेता है। तो ये देख सकते हैं ये एक हमारी शिप ने वर्ल्ड क्रूजिंग किया हुआ था, पूरा वर्ल्ड घूमी थी और मुंबई भी आई थी। तो ये देखिए मुंबई का मैग्नेट यहाँ पर लिया हो गया था, तो ये मेरे कैबिन पार्टनर ने लिया है और मैं भी मुंबई से ही ज्वाइन हुआ था। तो देख सकते हैं ये मैग्नेट वहाँ से लिया गया है। और ये वाला जो मैग्नेट, ये शिप श्रीलंका गई थी तो वहाँ पे काफ़ी रिक्शा चलते हैं, तो वहाँ से उसने रिक्शा लिया है, टैक्सी। तो ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हर कोई क्रू मेम्बर लेता है जब भी दूसरी कंट्री में जाता है, तो एक निशानी कि हम इस जगह पर आए थे। तो ये है आइटनरी, यू नो इसे आइटनरी कहते हैं, यानी कि इसमें आपका पूरा शेड्यूल होता है कि आज के दिन आप कौन से पोर्ट पर हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखिए पोर्ट का नाम वैलेंसिया, डे कौन से दिन सैटरडे, तारीख यहाँ पे दी गई है, टाइम यानी कि कौन से टाइम पर आप उस पोर्ट पे पहुँचोगे और कौन से टाइम पर आप उस पोर्ट से निकलोगे। तो ये पूरा एक आपकी आइटनरी रहती है और आप यहाँ पर इससे आप पता कर सकते हैं कि आज कौन से पोर्ट पर है, कितने बजे निकलेंगे वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको अपना बाथरूम दिखाऊंगा, आइए देखते हैं कैसा है बाथरूम। तो ये है मेरा बाथरूम, आप देख सकते हैं ये शावर की फैसिलिटी, यहाँ पे शावर आप ले सकते हो, ये आपका वॉश बेसिन, और यहाँ पर भी मतलब आपको कुछ सामान रखने के लिए दो डोर दिए गए हैं, एक साइड मेरे कैबिन पार्टनर का है और ये वाला मेरा हिस्सा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे वॉश बेसिन में आपको गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है, तो पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ आप घुमाते हो तो आपको गर्म पानी आएगा, और इस तरफ अगर घुमाते हो तो आपको ठंडा पानी आएगा। सो सेम थिंग शावर को लेकर भी है। यहाँ से आपको ऑपरेट करना है अपना शावर, जैसे आपका शावर ओपन होएगा, और यहाँ से आपको पानी का टेम्परेचर देखना है। जैसे इस साइड आप घुमाते हो तो आपको गर्म पानी आएगा, और उस साइड घुमाते हो तो ठंडा पानी आएगा आपका शावर एरिया। और ये देखिए, दो स्टैंड दिए गए हैं, दो लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना सामान जो भी है यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टॉवल का स्टैंड भी दिया गया है, जहाँ पे आप अपने टॉवल रख सकते हैं। तो टॉवल भी आपको ऑनबोर्ड मिलते हैं, तो घर से लाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हैंड टॉवल भी मिलता है और बाथ टॉवल भी मिलता है। तो ये एक स्पीकर है जो बाथरूम में है, जिससे कि आपको जो भी ऑनबोर्ड शिप पे जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, उससे आपको पता चलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये देख सकते हैं आप, ये है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट फैन, मतलब जो भी इससे एग्जॉस्ट हो जाता है यहाँ से जाता है। तो और भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं हमारे ऑनबोर्ड, आइए उन्हें भी देखते हैं जो कैबिन में है। तो पहला सेफ्टी का इक्विपमेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, इसे कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। यानी कि कैबिन में कैसा भी स्मोक हो वो इसे डिटेक्ट करेगा, और यहाँ पर एक रेड लाइट ऑन होगी जिससे पता चलेगा, और ब्रिज में पता चलेगा कि ये स्मोक डिटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया गया है, और वो जब इसमें से स्मोक आएगा, अगर कैबिन में कोई भी स्मोक आएगा तो ब्रिज को पता चलेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे है, और वो आएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली आपको कैबिन में स्मोक नहीं कर सकते, कोई भी सिगरेट पीता हो तो कैबिन में स्मोक नहीं कर सकता, ना ही अपना आयन कर सकता, क्योंकि जिस भी चीज़ से स्मोक निकलेगा वो इसको डिटेक्ट करेगा। तो और इसके साथ आप इसको कवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको कवर कर दिया कि और आप स्मोक कर रहे हो और किसी को पता चल गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप यहाँ से जा भी सकते हो, डिसमिसल भी हो सकता है, आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट का आपको ध्यान रखना है, और कैबिन में स्मोक नहीं करना है। तो दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसे कहते हैं हाई फॉग। अब हाई फॉग भी कह सकते हैं और हीट डिटेक्टर भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ही शिप में हीट आती है, इसको हीट को कैलकुलेट करता है। अगर जितनी गर्मी बढ़ेगी शिप में, जैसे कि स्मोक आ रहा है और हीट बढ़ रही है, तो ये अपने आप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और अपने आप यहाँ पे पानी आएगा। तो यानी कि अगर जैसे आग लगती है, फायर लगती है, तो हीट को ये कैलकुलेट करेगा, हीट जितनी हीट बढ़ेगी और ये फट जाएगा और पानी आने लगेगा, तो हीट आ जाएगी। तो ये इसके लिए ये यूज़ होता है। अब ये एसी है, देख सकते हैं ये एसी है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमको ठंडी हवा आती है, और इसका ऑपरेशन यहाँ से है कि अगर कम ज़्यादा करना हो तो एसी भी यहाँ पर है। तो कैबिन में भी एक स्पीकर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको अनाउंसमेंट जो भी होगा वो पता चलेगा। तो ये स्पीकर कैबिन में भी है और बाथरूम में भी है। तो कैबिन में फ़ोन भी है, यानी कि आप दूसरे कैबिन मेट या कहीं पे भी फ़ोन करना चाहते हो शिप पे, तो यहाँ पे फ़ोन कर सकते हो आप, और अपने घर पे भी आप कॉल कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि अभी मोबाइल है, व्हाट्सएप वगैरह है, वहाँ पे ही कॉल करते हैं, और इसमें चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। यानी कि 1 मिनट का आपको 1 यूरो लगेगा, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 90 रुपये, यानी कि 1 मिनट में 90 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई करता नहीं है। तो ये देखिए, चार्जिंग का मेरा डॉक भी है, चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया हुआ है। तो बहुत से लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चार्जिंग के लिए आप एक अडाप्टर सा आता है, जिसमें आप कुछ भी कोई भी पिन लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मतलब ये काफ़ी छोटा होता है, तो किस किस का चार्जर यहाँ पे फिक्स्ड ही होगा। अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड है तो चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है, और ये कनेक्ट होके ये यहाँ पे लगाया हुआ है, तो चलेगा। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई शिप पे ज्वाइन होगा तो उसे वो एक अडेप्टर आता है, वो लेके आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेरा कैबिन दिखाया, कैसा रहता है मेरा कैबिन, क्या क्या है कैबिन के अंदर, आपको क्या क्या लाना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए कैबिन में, ये सब मैंने आपको कैबिन के अंदर दिखाया। होपफुली जो नया कभी भी क्रूज शिप पे जाना चाहता है उसे ये वीडियो हेल्प होगी, और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि क्रूज शिप पर क्रू का कैबिन किस तरह से रहता है, क्या क्या रहता है कैबिन में, क्या क्या फैसिलिटी रहती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी,
इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बने रहना मेरे चैनल पर। आगे इसी तरह क्रूज शिप के बारे में और भी वीडियोस मैं डालूंगा इस चैनल पे। तो थैंक यू, बाय बाय।